यहाँ पर हम देखते हैं कि डैश डैश फ्यूज मेल्ट होने पर Q118 एनर्जाइज नहीं होगा। तो कौन सा फ्यूज है जो मेल्ट होने पर Q118 एनर्जाइज नहीं होगा? तो वो है हमारा CCPT फ्यूज मेल्ट होने पर Q118 एनर्जाइज नहीं होगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर Q118 एनर्जाइज कब नहीं होगा, जब CCPT फ्यूज हमारा मेल्ट हो गया है, तो Q118 एनर्जाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है, डीजे क्लोजिंग हेतु मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए? तो डीजे को क्लोज करने के लिए मिनिमम प्रेशर है वो 4.2 kg/cm² होना चाहिए। एयर ब्लास्ट ब्रेकर में मेन कांटेक्ट किस जगह पर लगा होता है? तो एयर ब्लास्ट कॉन्टैक्टर जो होते हैं हमारे, उसमें जो मेन कांटेक्ट है वो लोको की छत पर ही होते हैं, तो लोको की छत पर लगे होते हैं। एयर ब्लास्ट ब्रेकर में वॉल्व की वजह से, कौन से वॉल्व की वजह से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 0.03 सेक बाद ओपन होता है? तो कौन सा वॉल्व होता है एयर ब्लास्ट ब्रेकर में? एयर ब्लास्ट ब्रेकर में हमारे पास में रिटार्ड वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व होता है? रिटार्ड वॉल्व। तो एयर ब्लास्ट ब्रेकर में रिटार्ड वॉल्व की वजह से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 0.03 सेकंड बाद ओपन होता है। डीजे क्लोज करने के लिए सामान्यतः कितने केजी परसेंटीमीटर का प्रेशर होना चाहिए? तो डीजे को क्लोज करने के लिए मिनिमम प्रेशर तो 4.2 है, लेकिन क्लोज करना है तो डीजे क्लोज करने के लिए सामान्यतः प्रेशर 6.5 kg/cm² होना चाहिए। वी एल डीजे क्लोज और वी एल आर डीजे प्रेस करने पर कौन सी रिले एनर्जाइज होती है? वी एल डीजे क्लोज किया है, वी एल आर डीजे प्रेस किया है, तो हमारी कौन सी रिले एनर्जाइज होगी? Q45 रिले एनर्जाइज होगी, जैसे हमने वी एल डीजे क्लोज किया और वी एल आर डीजे प्रेस करने पर। और एयर ब्लास्ट ब्रेकर में कौन से कॉन्टैक्ट ओपन न होने पर डीजे लॉक होता है? तो वो है हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। अगर हमारे पास में एयर ब्लास्ट ब्रेकर में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन नहीं होंगे तो डीजे लॉक हो जाएगा। VCV डीजे में क्यूपी डीजे पिकअप वैल्यू कितनी है? क्यूपी डीजे की जो पिकअप वैल्यू है वो है 4.65 kg/cm². एयर ब्लास्ट ब्रेकर में क्यूपी डीजे की पिकअप वैल्यू, एयर ब्लास्ट ब्रेकर में क्यूपी डीजे की 5.5 kg/cm² है। एमटी डीजे कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? तो एमटी डीजे में अगर अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो सीसी डीजे फ्यूज मेल्ट होगा, सीसी डीजे। आईसी डीजे में मिलने पर, आईसी डीजे हमें मिल रहा है तो बैटरी वोल्टेज कितना होना चाहिए? आईसी डीजे मिल रहा है तो बैटरी वोल्टेज हमारा 85 वोल्ट होना चाहिए। आईसी डीजे मिलने पर एयर प्रेशर कितना होना चाहिए? ईआर का प्रेशर, तो आईसी डीजे मिल रहा है तो ईआर का प्रेशर 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए, 6.5 से 8 kg/cm². यदि वी एल आर डीजे टूट जाता है तो कौन सी रिले का मैनुअल कंट्रोल करके डीजे क्लोज करना चाहिए? तो हम यहाँ पर, अगर हमारे पास वी एल आर डीजे टूट गया है तो Q45 रिले है, Q45 रिले का मैनुअल कंट्रोल करके डीजे हमें क्लोज करना चाहिए। डीजे क्लोज होने पर कौन सी सिग्नलिंग रिले है डी एनर्जाइज होती है? तो वो है हमारी QB60, डीजे के लिए QB60 रिले है, ये सिग्नलिंग रिले डी एनर्जाइज होती है। OHE चली जाने पर कौन सी रिले डी एनर्जाइज होने से डीजे ट्रिप होता है? तो OHE चली जाएगी तो Q30 रिले है, वो रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी जिससे डीजे ट्रिप हो जाएगा। फिर है, कौन से फ्यूज के मेल्ट रहने पर Q45 एनर्जाइज और C118 क्लोज नहीं होगा? तो Q45 से किसका कनेक्शन है? वो सीसी डीजे का कनेक्शन है Q45 से। जैसे हम देख सकते हैं सर्किट में ये Q45 है, तो Q45 का कनेक्शन किससे है? सीसी डीजे। तो सीसी डीजे अगर मेल्ट हो गया है तो Q45 हमारी एनर्जाइज नहीं होगी, और अगर Q45 एनर्जाइज नहीं होगी तो C118 भी हमारा पिकअप नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि सीसी डीजे फ्यूज मेल्ट होने पर Q45 एनर्जाइज नहीं होगी और C118 क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें, रूफ वायर टूटी रहने पर डीजे कितने सेकंड के बाद ट्रिप होगा? अगर रूफ वायर टूटी हुई है तो डीजे 5.6 सेकंड के बाद में, 5.6 सेकंड के बाद में डीजे ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे Q45 में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा?
अगर Q45 में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो Q45 के ऊपर कौन सा फ्यूज लगा हुआ है? CCDJ। तो CCDJ फ्यूज मेल्ट हुआ है। जैसे Q45 में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो CCDJ मेल्ट होगा। यहाँ पर CCDJ मेल्ट होने पर कौन से कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज नहीं होगा? तो CCDJ मेल्ट हुआ है तो C118 कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि CCDJ मेल्ट हुआ है तो हमारा Q45 एनर्जाइज नहीं होगा। Q45 एनर्जाइज नहीं होगा तो C118 क्लोज नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि CCDJ अगर मेल्ट हो गया है तो C118 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं होगा। नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए कौन से स्विच को ऑन करेंगे? अगर नॉच ट्रिपिंग से बचना है तो हम HC105 है उसको हम ऑन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें ये HC105 है, इसको ऑन कर देंगे। अगर हम नॉच से बचना चाहते हैं यानी 6 नॉच ट्रिपिंग पर बचना चाहते हैं तो इसको ऑन कर देंगे। QVSI12 में खराबी होने पर कौन से नॉच पर डीजे ट्रिप होगा? तो QVSI12 में खराबी होने पर फर्स्ट नॉच पर ही डीजे ट्रिप हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे QVSI है, ये QVSI1, QVSI2, ये GR ग्रेजुएटर क्लॉज ऑन 0 है। जैसे ही 1 पर आएगा ग्रेजुएटर तो फर्स्ट नॉच पर ही ये ट्रिप हो जाएगा डीजे। तो हम कह सकते हैं QVSI1 और 2 में खराबी होने पर फर्स्ट नॉच पर डीजे ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कौन से बल्ब स्टक अप होने पर जो हमारा VCV डीजे लॉक हो जाता है। तो कौन कौन से बल्ब हैं जिनके स्टक अप होने पर VCV डीजे ट्रिप हो जाता है? तो वो है रिले बल्ब और VCV बल्ब। कौन कौन से बल्ब हैं? एक तो रिले बल्ब है और एक VCV बल्ब है। इन बल्ब के स्टक अप होने पर जो VCV डीजे है लॉक हो जाता है। प्रोग्राम स्विच का ऑपरेशन किसकी खुली अवस्था में करना चाहिए? तो प्रोग्राम स्विच का जब भी ऑपरेशन करना है तो डीजे ओपन हो तभी हमें प्रोग्राम स्विच का ऑपरेशन करना चाहिए। डीजे क्लोज करने के लिए जीआर किस पर होना चाहिए? अगर डीजे को क्लोज करना चाहते हैं तो जीआर ग्रेजुएटर हमारा 0 पर होना चाहिए। C106 के NCI में करानी होने पर डीजे ट्रिप होगा। तो अगर C106 में खराबी है तो डीजे है हमारा 6 नॉच पर ट्रिप होगा। 6 नॉच लेंगे जैसे ही डीजे ट्रिप हो जाएगा। जैसे हम देखें यहाँ पर C106 में खराबी है, C105 में खराबी है, C107 में खराबी है, तो 6 नॉच पर ही डीजे ट्रिप होता है। तो हम कह सकते हैं C106 में खराबी होने पर 6 नॉच पर डीजे ट्रिप हो जाता है। फिर OHE में टेंशन नेम रहने पर कितने सेकंड के बाद में डीजे ट्रिप होगा? तो OHE में टेंशन नहीं रहेगा तो Q30 के द्वारा डीजे ट्रिप होता है। तो उसको हम कह सकते हैं 5.6 सेकंड के बाद में डीजे ट्रिप हो जाएगा। अगर OHE में टेंशन नहीं है तो 5.6 सेकंड के बाद में डीजे ट्रिप हो जाता है। ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर किस रिले के द्वारा डीजे ट्रिप होगा? तो कौन सी रिले है? ट्रैक्शन पावर सर्किट की रिले है हमारी QOP। तो QOP 1 और 2 है, QOP 1 और 2। तो ट्रैक्शन पावर सर्किट में अगर अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो QOP 1 और 2 रिले के द्वारा डीजे हमारा ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि Q30 में खराबी होने पर VLRDJ छोड़ने के कितने सेकंड के बाद में डीजे ट्रिप हो जाएगा? Q30 में खराबी है, VLRDJ को छोड़ दिया है, तो VLRDJ के छोड़ते ही 0.6 सेकंड के बाद में ही डीजे हमारा ट्रिप हो जाता है। आरनो वाले लॉकों में डीजे लॉक में कार्य करने के लिए किस रिले को भेज करना है? आरनो वाले लॉकों में डीजे लॉक स्थिति में है उसको कार्य करने के लिए Q118 रिले को भेज करना होता है। तो Q118 रिले को भेज करके हम कार्य कर सकते हैं। किस रिले के बीच रहने पर C105, C106, C107 की चैटरिंग पर ध्यान देना चाहिए? कौन सी रिले है जिसके बीच रहने पर इनकी चैटरिंग पर हमें ध्यान देना होता है? तो वो है Q118। Q118 जब बेज है तो हमें C105, C106, C107 की चैटरिंग पर भी ध्यान देना है। Q44 रिले बेज रहने पर कौन सी रिले को भी बेज मानेंगे हम? Q118 रिले को भी बेज मानेंगे। जैसे कि Q44 अगर हमने बेज किया है तो हमारी यहाँ पर इसके ऊपर भी Q118 भी लगी हुई है तो इसको भी हम बेज मानेंगे। नेक्स्ट हम देखें जैसे किस रिले के बेज रहने पर जीआर पर ध्यान देना चाहिए? कौन सी रिले है जिसके बेज रहने पर जीआर ग्रेजुएटर पर ध्यान देंगे? तो 44 रिले के बेज रहने पर जीआर पर भी ध्यान दिया जाएगा।
किस रिले के बेज रहने पर यूए की निडल पर ध्यान देना चाहिए, तो Q44 रिले अगर बेज है तो जीआर पर भी ध्यान देना होगा, यूए की निडल पर भी हमें ध्यान देना होगा। एल प्रकार के वीसीवी में क्यूपी डीजे ड्रॉप प्रेशर कितना होता है? तो क्यूपी डीजे एल प्रकार के वीसीवी में क्यूपी डीजे ड्रॉप प्रेशर 3.8 kg/cm² होता है। बीसीबी का कैलिब्रेशन कितना एम्पियर का होता है? बीसीबी का जो कैलिब्रेशन है वो 600 एम्पियर का होता है। बीसीबी का कैलिब्रेशन OHE वोल्टेज कितने किलो वोल्ट से कम होने पर डीजे ट्रिप हो जाता है? तो 17.5 से कम जाएगा OHE वोल्टेज, वैसे ही डीजे ट्रिप हो जाएगा। क्यूपी डीजे का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक किस ब्रांच पर लगाया जाता है? तो क्यूपी डीजे का जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है ये वीसीबी और एमटी डीजे, वीसीबी या हम कह सकते हैं एमटी डीजे की ब्रांच पर लगाया जाता है। तो क्यूपी डीजे है ये, क्यूपी डीजे का इंटरलॉक किस पर लगाया गया है? वीसीबी या एमटी डीजे कह सकते हैं, इसकी ब्रांच पर ही लगा हुआ है क्यूपी डीजे। ये स्विच है हमारा एस क्यूपी डीजे, ये वीसीबी है, ये C118 है। नेक्स्ट हम देखें, डीजे ट्रिप होने के बाद, अगर हमारा डीजे ट्रिप हो गया है तो डीजे ट्रिप होने के बाद Q45 रिले पिकअप नहीं होती, तब कौन सा फ्यूज मेल्ट हो सकता है? डीजे ट्रिप होने के बाद Q45 हमारी पिकअप नहीं हो रही है, तो सीसी डीजे मेल्ट हो सकता है, क्योंकि Q45 के ऊपर सीसी डीजे लगा हुआ है। डीजे लॉक होने पर एल एस डीजे के अलावा कौन सा लैंप भी बुझा रहता है? जैसे ही डीजे लॉक होता है तो एल एस डी जे के अलावा हमारे पास में एल एस बी लैंप होता है, वो भी बुझा रहता है। Q118 रिले भेज करने पर यदि एम पी जीरो करने पर भी अगर जी आर जीरो पर नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हम देखें, Q118 रिले भेज करने पर यदि एम पी जीरो करने पर भी अगर जी आर जीरो पर नहीं आता है, ग्रेजुएटर जीरो पर नहीं आता है, तो Q118 रिले भेज करने पर यदि एम पी जीरो करने पर भी अगर ग्रेजुएटर जी आर जीरो पर नहीं आता है तो चालक को कौन सा स्विच ऑफ करना चाहिए? तो चालक को यहाँ पर VLR DJ स्विच है, VLDJ स्विच है, ये ऑफ करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं Q118 रिले भेज करने पर यदि MP0 करने पर भी अगर GR0 पर नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि Q118 रिले भेज करने पर यदि MP0 करने पर भी अगर GR0 पर नहीं आता है, MP को जीरो करने पर भी GR0 पर नहीं आता है, तो चालक को VLDJ स्विच को ऑफ करना चाहिए। फिर है, यदि डीजे लॉक हो जाए तो कौन सा लैंप नहीं जलेगा? LSDJ लैंप नहीं जलेगा अगर डीजे लॉक हो गया है तो। न्यूट्रल सेक्शन में एसी लॉकों को डीजे को ओपन करना चाहिए। डीजे क्लोज न होने पर CCBA CCPT और CCDJ फ्यूज चेक करना चाहिए। अगर डीजे क्लोज नहीं हो रहा है तो CCBA CCPT और CCDJ चेक करना चाहिए। कौन सी रिले के भेज रहने पर नॉच बाई नॉच रिग्रेशन करेंगे? तो वो है हमारी Q118 रिले भेज रहेगी, तो Q118 के रिले के भेज रहने पर नॉच बाई नॉच रिग्रेशन करेंगे। कौन सी रिले के भेज रहने पर GR स्लगिश नहीं होना चाहिए? तो वो है Q44 रिले भेज रहने पर GR स्लगिश नहीं होना चाहिए।